नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस की, तो कंपनी का स्टॉक यहाँ पर 82 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। बात करें पिछले एक साल में इसने 12.03% की नेगेटिव क्लोजिंग दी है, यानी कि स्टॉक पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया, स्टॉक ने डाउनवर्ड ही मूवमेंट किया है। स्टॉक ने रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी किया। अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल शेयर होल्डिंग पैटर्न और रेवेन्यू नेट प्रॉफिट और कंपनी के रिजर्व की और आने वाले समय में किस प्रकार से स्टॉक मल्टीपल रिटर्न दे सकता है, तो शुरू करते हैं कंपनी के फंडामेंटल से। अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल की, तो कंपनी का मार्केट कैप 20,373 करोड़ रुपए का है। बात करें पेस वैल्यू 10 रुपीज़, आने वाले समय में आपको ये स्टॉक स्प्लिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। EPS कंपनी का 4.02 है। अगर बात करें कंपनी की सेक्टर पे की, तो 54.8008। अगर बात करें कंपनी की बुक वैल्यू 75.989, यानी कंपनी का स्टॉक जो है अभी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का रेवेन्यू जहां 2017 के अंदर 8,340 करोड़ था, वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ 2020 के अंदर 14,104 करोड़ का हो गया। लेकिन 2021 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू में आपको गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 2021 के अंदर टोटल रेवेन्यू 13,678 करोड़ का था। अगर अपन बात करें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जहाँ 2017 के अंदर 1,042 करोड़ का था, वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ 2019 के अंदर 2,232 करोड़ हो गया। लेकिन 2020 के 19 के बाद आपको रेवेन्यू में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली है। 2021 के अंदर कंपनी का टोटल रेवेन्यू 948 करोड़ था। इस स्टॉक के लिए इसके आने वाले अपकमिंग रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 और क्वार्टर फोर ऑफ 2022 और इसी के साथ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022, इसके दोनों रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं। इसके लिए अपन जानेंगे कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट किस प्रकार से रह सकते हैं और आए हुए पहले तीन क्वार्टर के रिजल्ट वो किस प्रकार से कंपनी के रहे हैं। तो शुरू करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। अगर बात हम करें कंपनी क्वार्टर रिजल्ट, तो पिछले तीन क्वार्टर में जून, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है, क्योंकि जहां दोनों क्वार्टर के अंदर कंपनी का टोटल रेवेन्यू 177 करोड़ था, वो बढ़ता हुआ 307 करोड़ हो गया है। इसी के साथ अगर कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी अच्छा आता है, तो कंपनी का यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर भी आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी के पक्ष में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर होगी। इसके कारण आपको कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो मार्च 2017 के अंदर जहाँ टोटल कंपनी का रिजर्व 6,020 करोड़ का था, वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ मार्च 2021 के अंदर 16,103 करोड़ का हो गया। यानी कंपनी का रिजर्व यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो कि स्टॉक के रिलेटेड एक अच्छी खबर। अगर बात करें यहाँ पर होल्डिंग्स की, तो प्रमोटर के यहाँ पर दिसंबर 2020 के अंदर 63.65% की होल्डिंग थी, जो कि दिसंबर 2021 की बात करें तो होल्डिंग्स कंटिन्यूसली इक्वल होल्डिंग है प्रमोटर्स की। अगर बात करें अपन फॉरेन इन्वेस्टर की अगर बात करें, दिसंबर 2020 के अंदर 9.36% की होल्डिंग थी, वो कम होकर दिसंबर 2021 के अंदर 7.86% की रह गई। अगर बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, जहां डोमेस्टिक इन्वेस्टर दिसंबर 2020 के अंदर टोटल होल्डिंग्स जो 5.26 की थी, वो दिसंबर 2021 के अंदर बढ़कर 6.11 की हो गई। अगर अपन बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक की होल्डिंग अगर बात करें दिसंबर 2020 के अंदर जहाँ 21.72 की थी, वो बढ़कर दिसंबर 2021 के अंदर 22.53 की हो गई। यानी होल्डिंग्स पे काफ़ी कुछ ज़्यादा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, अप एंड डाउन की अगर देखें तो 1% में यहाँ पर कंपनी होल्डिंग्स को हुई है। कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर की यहाँ पर कंपनी है और आगे आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि कंपनी क्वार्टर फोर के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। उसी के साथ क्वार्टर फोर के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे होंगे, जिसके कारण आपको यहाँ पर कंपनी के शेयर प्राइस में बूम बैक देखने को मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।